रोहतक में चले दो दिन के अधिवेशन में तरोताजा महसूस कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब 6 अगस्त को होने जा रही अमित शाह की रैली की तैयारी में जुट जाने वाले हैं। याद रहे कि भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा दो दिन से रोहतक प्रवास में हैं, जहां उन्होंने पार्टी संगठन में जान फूंकने का काम किया। इस कार्यक्रम के समापन के फौरन बाद मुख्यमंत्री 6 अगस्त की तैयारी में जुट जाने वाले हैं, क्योंकि 6 अगस्त को भारत के गृह मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हिसार में बड़ी रैली का आयोजन करेंगे। भले ही इस रैली में पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह अपने पुत्र को भाजपा में स्थापित करने के मकसद से कर रहे हैं, किंतु इस रैली का असर विधानसभा चुनाव में सकारात्मक परिणाम लेकर आए, इसको लेकर मुख्यमंत्री अपने स्तर पर कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते हैं। बहरहाल रैली के तुरंत बाद मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा 18 अगस्त को कालका से प्रारंभ होगी, जो कि सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों को स्पर्श करते हुए इसका समापन रोहतक में किया जाएगा। मुख्यमंत्री हरियाणा एक सप्ताह में 3 दिन रथ पर सवार रहेंगे और इन 3 दिनों में 18 हलके कवर करेंगे। जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार पूरे यौवन पर प्रारंभ हो चुका है और यह चुनाव प्रचार लोकसभा चुनाव के फौरन बाद शुरू हो गया था। इस चुनाव रथ यात्रा का मुख्य आकर्षण का केंद्र इसका समापन रहेगा, जो कि रोहतक में होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री रोहतक में एक संदेश देना चाहते हैं कि रोहतक किसी एक विशेष नेता की बापोती नहीं है, जहां पर कोई भी चौधर का वास्ता देकर अपना उल्लू सीधा कर ले। मुख्यमंत्री का मानना है कि लोगों की भावनाओं से खेलकर अपने सिर पर चौधर की पगड़ी लेना तो आसान है, लेकिन उस पगड़ी की रक्षा करने का दायित्व किसका है, यह बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। सब्सक्राइब नाउ देन प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।